आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम अहमद अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन फोर्स एकेडमी। बंधुरा आज के मॉक टेस्ट हुए थे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एवं मॉक टेस्टे केमन कि प्रश्न एस केमन तारा करते पे एन अलरेडी मॉक टेस्ट इज ओवर मॉक टेस्ट हो गए एन आंसर शीटा दिए दीची तरा आंसर मिला तो जानबो जो मॉक टेस्ट केमन प्रश्नगुलि एस तारा कतटा करते पे এই প্রার্থীর কাছে আমরা জানবো আগে। স্যার নাম? জগন্নাথ অধিকারী। জগন্নাথ অধিকারী, পূর্ব মেদিনীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর, কেমন ছিল আজকে মক টেস্ট? আচ্ছা, যখন কোশ্চেনটা ভাই মনে হচ্ছিল যে পারবো না, প্রচুর কঠিন কোশ্চেন হয়েছে আজ, তাও মডারেট লেগেছে। তারপরে আস্তে আস্তে যখন করা শুরু করি তাও 45টা করে দিয়েছি। ঠিক আছে, ওকে। এই প্রার্থী, আমি হুগলি জেলা থেকে এসেছি। আজকের কোশ্চেনটা আগের দিনের মতো যেমন অ্যাটেন্ড করি সেরকমই অ্যাটেন্ড করেছি, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আগের দিন যেমন পুরো 100% সিওরিটি থাকে যে এইগুলো রাইট হবে, এবার একটু কম সিওরিটি আছে, মানে কোশ্চেন লেভেলটা একটু ভালোই বেড়েছে আগে। মানে কোশ্চেন লেভেলটা আজকে ভালোই বেড়েছে, কারণ দেখো মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই এতটা করতে পেরেছে। ঠিক আছে, দেখে স্যার ইতনা সারা ইন্হোনে রঙা হুয়া হ্যায় আবি তক ইসকা কারেকশন নেই হুয়া, আনসার অভি মিলায়েঙ্গে হাম লোগ। ঠিক আছে, তো বাই দ্য ওয়ে কারণটা একটাই হচ্ছে যে দেখো আমি তো কোশ্চেনের লেভেলটা বাড়াবোই, কারণ প্রিপারেশনটা হচ্ছে না, তোমরা তৈরি হচ্ছ, সে জায়গা তো একটু হার্ড হবেই প্রশ্নগুলি। চলো আরেকজন প্রার্থীর সাথে তোমাদের কথা বলাই। দো প্রার্থী ইয়াহাঁ পরে বলি স্যার, ক্যা নাম? সুবোধ হাজরা, পূর্ব মেদিনীপুর। ওকে, প্রশ্ন কেমন ছিল আজকের? প্রশ্ন মডারেট স্যার। মডারেট, ওকে। বাকিরা যে হার্ড বলছে এত? একটু হালকা হার্ড আছে আগে, মানে অন্যদিন থেকে আজকে একটু হার্ড আছে। আজকে একটু হার্ড আছে, ভাবতে হয়েছে। মানে সেখানে বলতে গেলে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে এত যে প্রিপারেশন করলাম, কমন কটা পড়েছে আর আনকমন কটা ছিল? কমন একবারে কমন পড়েছে 10-12টার মতো, আর গুলো ভাবতে হচ্ছে 20-25টা মতো, মানে ভেবে দিতে হচ্ছে। কোন কোন সাবজেক্ট? ফিজিক্স, যেসকল ফিজিক্স বলুন, জিকে, কেমিস্ট্রি, কেমিস্ট্রি, জিকে গুলি আছে যেখানে একটু ভাবতে হচ্ছে। ম্যাথ ঠিক আছে, ম্যাডাম ম্যাথ ঠিক আছে, বায়োলজি তো ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ওকে শ্যামল বলি স্যার, कैसा था आज का क्वेश्चन पहले बताओ? बहुत टफ, बहुत टफ, बहुत टफ। हालत खराब हो गया क्या? सर बेसिक कॉलेज निकली जा रहा। राम सिंह सर नहीं काज कर रहे। राम सिंह आज काम नहीं किया। देखो सर, हमारा हर एक मॉक टेस्ट ना, मैं बताऊं, हर एक मॉक टेस्ट मैंने जो पेपर तैयार करता हूं, हर एक मॉक टेस्ट का अलग अलग एक डिज़ाइन है सर। मैं आपको हर एक, जैसे कि आप क्रिकेट जब खेलते हो तो एक बॉल आपको समान नहीं मिलता है सर, राइट ना? छः बॉल छः तरीका का होता है। तो हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि ऐसा तैयार करके भेजे, एकदम रिलोड करके भेजे कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने क्वेश्चंस को निकाल दे, वहाँ पर उसका मेरिट आए, इस तरह का तैयारी है। ठीक है सर, डरने का एकदम नहीं है, पैटर्न भी चेंज करता हूँ मैं, क्वेश्चन भी चेंज करता हूँ, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ रहता है, ताकि आप हर तरह से तैयार होकर के जाओ, राइट ना? चलिए और एक बंदे से पूछता हूँ, अमरजीत बोलिए बेटा, क्या था आज का क्वेश्चन? इतना हार्ड हार्ड बोल रहे हैं ये लोग। पेपर मॉडरेट है। अच्छा, तो ये हार्ड कैसे बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मॉडरेट लेवल है सर, यहाँ पे मतलब ऑप्शन देख के कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, कंपेयर टू अदर थोड़ा सा मॉडरेट है आज। अच्छा, स्टार्टिंग में तो सर लगा कि 30 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद सर कुछ अटेम्प्ट ऐसा भी है जो एरर होने का चांस है, आज नेगेटिव जाएगा, इसका मतलब थोड़ा जाएगा, एक्यूरेसी नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, एक्यूरेसी नहीं पाएंगे, फिर भी आपने कितना अटेम्प्ट तो सर करना ही पड़ेगा ना, पास करना है तो छोड़ने से भी फायदा नहीं है। लेकिन मेरा हमेशा है सर, देखिए मैं आपको, आप लोगों को बताऊं, मेरे व्यूअर्स लोगों को बोल के रखता हूं कि अगर क्वेश्चन आपका हार्ड है, बच्चे सब सुनेंगे लेकिन ना, अगर क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में हार्ड है, आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन डील नहीं हो पाएगा 30 से 35 से या उससे नहीं ज़्यादा जा पा रहा है, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरा कि कोई भी अपना हाथ ज़्यादा नहीं जमाएगा वहाँ पर। आप जितना ज़्यादा वहाँ रंगीन करोगे आपका लेकिन करियर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड होगा तो एकदम हाथ चाप के चलना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग है तो बायोलॉजी पे काम कीजिए, आपको लगता है कि नहीं केमिस्ट्री अप टू द मार्क आपका नहीं आया है, या फिर फिजिक्स का मान लीजिए कुछ लॉजिकल क्वेश्चन दिया है या फिर ऐसा क्वेश्चन दिया जो नहीं हो पा रहा, तो उसमें हाथ मत दीजिए, नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और नेगेटिव जितना कीजिएगा आप मेरिट से बाहर हो जाएगा। आपको कोई भी कसम नहीं दिया कि आपको 40 से 45 ही करके आना है, बात को समझिए, क्योंकि आप अगर हाथ जमाएंगे दूसरा जो है ना बंदा वो चालाकी से कम करेगा और कम करके वो अपना मेरिट बना लेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपके मन के मुताबिक है तो उसको छाप करके आइए पूरा, और क्वेश्चन अगर मन के मुताबिक नहीं है तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा ये, लेकिन आप मान के चलिए आप जीत कीजिएगा। आप अगर वहाँ चाहिएगा कि नहीं हमको करके ही जाएंगे 40-45 नहीं तो मेरिट नहीं बनेगा, ये लेकिन भूलभाल है। ठीक है सर,
हमने देखा है लाइफ में बहुत सारा ऐसा मेरिट हुआ है कि बंदा अगर 35 भी क्वेश्चन करके आया है लेकिन उसको नर्सिंग असिस्टेंट में नौकरी हुआ है। बात को समझिए, ठीक है, डरने का एकदम नहीं है, तैयारी पे विश्वास कीजिए और अभी भी टाइम है आपके पास, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, अपना सब्जेक्ट को रेडी कीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, चिंता नहीं करने का कुछ, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी देर के बाद हम लोग स्कोर देख लेंगे और क्वेश्चन को मिला देते हैं। मुंदुरा देखो, ऑलरेडी मॉक टेस्ट कंप्लीट हुए गए, मॉक टेस्ट कंप्लीट हर पर तो मार्क्स गुली हमरा जेने देबो कार कतटा मार्क्स आछे। तो आज के जे हाईएस्ट मार्क्स आछे मोर देन 150। आमी जखन वीडियो तो शुरू करलाम तो शुरूते ही तुमरा देखले जे प्रार्थीरा बोलछिलो जे प्रचुर टाफ क्वेश्चन आछे, तो आमी तादेरके की बोललाम जे टाफ क्वेश्चन होले किन्तु क्वेश्चनटा तोमार जन्य किन्तु टाफ नय, शुधु जारा जारा ओई हले बा जारा जारा परीक्षा दिच्छे सेई दिने सबार जन्य किन्तु क्वेश्चनटा टाफ आछे, तार जन्य तोमादेरके हाथटा चेपे चलते हबे। हाथटा चेपे चलते हबे माने कि যে কোশ্চেনটাকে যেটা তোমার দ্বারা হচ্ছে সেই কোশ্চেনটাকে হাত দিতে হবে, আর যেটা তোমার হওয়ার মধ্যে নেই, যেটা মনে হচ্ছে যে এটা তোমার নেগেটিভ হবে বা তোমার জানার মধ্যে প্রশ্ন নেই, সেই প্রশ্নটাকে ছাড়তে হবে। কিন্তু আমি এর আগের প্রচুর ভিডিওতে এসএসসি জিডির সময় বলো বা অন্যান্য পরীক্ষার সময় বলে দিই, চাকরি পেতে হলে আরেকটি নিয়ম আছে যে প্রশ্ন ছাড়তে হবে। প্রশ্ন তুমি যদি জোর জবরদস্তি করতে যাও তাহলে নেগেটিভ হবে, আর নেগেটিভ হলেই মানে তুমি অলরেডি মেরিট থেকে বার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো চলো আমরা জেনে নিই যে কার আজকে হাইয়েস্ট মার্কস আছে। তো इसमें से किसका हाईएस्ट मार्क्स, हाथ उठाइए। कितना श्यामल का, कितना श्यामल? 159। और एक 156। ओके तो पहले ये बताइए कि लास्ट कितना था आपका, मतलब लास्ट का मॉक टेस्ट में कितना था? लास्ट 190। और कहां से, मतलब क्या पेपर उस समय उस मुताबिक हुआ था, मैंने उस समय पेपर टा उधर मोनर मत छिलो तार जन्य 190 चले गए। आज के किंतु यदि प्रश्न एक हार्ड थके, हार्डर प्रश्न थे तुम्हें এইরকম একটা আসতে পারে তোমাদের মেরিট, ঠিক আছে। তো যারা সেফ স্কোর বলছো আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছো অনেকজন যে কত যেতে পারে, সেফ স্কোর কত হতে পারে, কটা করবো আমরা, এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে যে সেদিন প্রশ্নটা কেমন লেভেলের হচ্ছে, তোমার প্রিপারেশনের সাথে ম্যাচ করছে কি ম্যাচ করছে না। এবার বাকিদেরও একটু জেনে নেবো। আচ্ছা মেরিকে বলতে গিয়ে 140 কে অন্তর কিসকা কিসকা হাতাটাই তো 140 কে উপর, মানে 140 কে অন্তর। আচ্ছা 130 সে 135 কে অন্তর দেখতে পাচ্ছ তোমরা। अच्छा बिलो 120, 120 के नीचे, हाँ कितना, 130 के ऊपर, 130 के ऊपर। तो माने कि हलो जे फाइनली आमरा बुझते पारछि जे मेरिट जदि जाए ताहले आमरा हाईएस्ट मार्क्स देखछि 190, माने 190 बाद दाओ 180 आर एदिके 150 बा 55, 160 से 180 के बीच में लेकिन आप लोगों का सर मेरिट बनने वाला मान के चलिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन उसी तैयारी से कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।